परू सीटी बजने वाली चली जा, इसको पता नहीं अभी सीटी बजने वाली है और ये यहाँ पे आई हुई है। सीटी एक्चुअली सीटी से बहुत डरती है, कुकर की सीटी से। ये भी खेल रही है यहाँ पे, इसका रिएक्शन देखना अभी। परू सीटी कुकर बजने वाली, चल आजा चल अंदर। अभी रोने लग जाएगी घोड़ी की तरह। चले अभी भागो, कुकर बजेगा कुकर। ये सारा से जब यहाँ बैठती सारा बिखार देती, देखो सब बिगाड़ दी इसने, सारा चीजें उठा के। ये देखो ये कौन सा तरीका बेटा, फेस भी क्लीन नहीं किया ब्रेकफास्ट करके, अपने भी खाया नहीं आपका खाना। ये गंदी बच्ची हो गई, अब बहुत शरारती हो गई है। ये भी सीटी बजेगी इसकी, फिर इसको पता चलेगा। आया भैया, मैंने पहले बोला था, मैंने बोला था ना क्या बना हुआ है। बोला था ना मैंने पहले, चलते यहाँ से, आ नहीं रही थी मेरे पास, पापा ने बोला था ना। अच्छा चलो चलो चल रहा, चलो चलो ले जाओ मुझे, कोई ले जाओ यहाँ से, टिकेंगे दो मिनट। एक ऐसी माँ बच्चों को डरा रही है अपने। हाँ चलो चलो चल रहे रूम में चले, ओरियो ओरी ओरी के बाद आना। अच्छा 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 So good morning guys, this is the morning and I hope आपका बच्चे होंगे अपने घर में। I know बहुत खराब टाइम चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, घर में बैठे हैं, कुछ करने को हो नहीं रहा है, तो इसलिए एक छोटा सा सोचा लॉग ही बना लें घर बैठे हैं। तो आपने जैसे देखा परी कुकर से बहुत डरती है एक्चुअली, उसकी सीटी से जब भी सीटी बजती है तो बहुत लाइक। आज सुबह सुबह सैटरडे छुट्टी है मेरी, तो लॉग कर रहे हैं और मैडम हमारी बना रही है आज, क्या बना रही है, छोले पूरी बना रही है। चुप करा ले सीटी को, मेरी बच्ची डरती है। अभी हम आज का दिन शुरू होगा, अभी मॉर्निंग तो नहीं है हमारे घर में, हमारी मॉर्निंग हमारी 11 से 12 के बीच में होती है डेली, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ बिकॉज ऑफ माई ऑफिस टाइमिंग्स, लेट नाइट तक होती हैं और इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है मामला। ठीक है अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे जैसे दिन शुरू होता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है आज। थोड़ा बहुत एक दो काम भी है बाहर, घर का सामान लेके आना है, लेके आएंगे एंड विल स्टार्ट एंड थोड़ा बहुत कुकिंग करेंगे आज और आई विल शो यू जो भी आज बनाते हैं। ठीक है वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं लॉकडाउन की लाइफ में क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि जब से सेकंड 2.0 लॉकडाउन आया है उस पर मैंने ब्लॉग घर पे किया नहीं है, तो आज हम करते हैं। इसलिए मैं सोचा पिछले लॉकडाउन में मैंने काफी वीडियोस बनाई थी, इस साल मैंने ज्यादा कुछ वीडियोस बनाई नहीं है क्योंकि घर बैठे हैं और परी भी है, मेरे काम थोड़ा बिजी ज्यादा चल रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही है, बट हाँ अब थोड़ा टाइम निकाल के सोच रहा हूँ वीडियोज में भी एक्टिव हो जाए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, बने रहो। छोटा हो गया जाना, धूस बन गया धूस। तो आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पूड़ी छोले का, मैडम ने बनाए छोले एंड दैट्स पूड़ी। वाह, सो दिस इज हम ब्रेकफास्ट, ये हमारी मैडम मोटी पूड़ियाँ खा रही है दिन से रात, ये खा रहा है मोटी हो गई, मोटी हो गई नहीं गई थी पहले से बहुत ज़्यादा, सब कहते हैं वो कमेंट्स आए थे। सो भी हम पहले ब्रेकफास्ट कर लें फिर हम आपसे बात करते हैं, राइट, फिर हम थोड़ी घूमी घूमी करेंगे आज, लेट्स सी क्या क्या प्लान होते हैं। चलो पहले हम नाश्ता करते हैं, लेट्स सी पूड़ी छोले कैसे बने हैं टेस्ट करेंगे पहले, फिर ये रही पूड़ी टेस्ट करेंगे पहले हम, टेस्ट आपको ही बताएंगे कि हमारी बीवी कैसा खाना बनाती है, राइट। यार ये गिरा देगी जा, ये वो प्लेट साइड कर लो, वो वाली साइड कर लो, कैसे बने हैं, बहुत मस्त, नहीं सीरियसली मस्त,
हाथ मार देना, मैं आपको कह रही हूँ यार इसको वहां रख दो। गया कैमरा, ये कैमरा गया, ये लड़की बहुत स्टार हो गई है, इसको देखो ये बिल्कुल बैठती नहीं है, तो पूरी बहुत अच्छी बनी है, आई मीन सब भी बहुत अच्छी बनी है, चलेगी नहीं है, अच्छी नहीं है। भैया को तारीफ कर दो ना उनके मुँह पे तो वो सर पे चढ़ जाती हैं, इसलिए थोड़ा उनको टोल मोल के रखना पड़ता है। चाय भी पियो, चाय भी पियो। ये ले, ये ले, तुम पकड़, तू लॉगिंग कर ले, लॉक कर। चाय तो मेरे हाथ की बढ़िया। या सीटी बजेगी फिर कुकर की दोबारा से। चाय तो मेरे हाथ की बढ़िया। अभी सीटी बजेगी कुकर की। बजी? बजती बजती है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और बाय गॉड बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट एकदम अफर गया है। तो होता है ना ब्रेकफास्ट जब कुछ ज़्यादा खा लो तो नींद से आने लग जाती है, वही हालत हो रही है, तो अभी वही है। ऐ आपने खाया कुछ? आपने पिकल खाया था? अपना अचार खाया था आपने? खाया था कभी बच्ची? नहीं, ब्रेकफास्ट आ गया आपका। आपने खाना कुछ भी नहीं है, है? खाना ऐसा कुछ नहीं होता, नौटंकी करनी है इसने। हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मम्मी ने अच्छा टेस्टी टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, और हमने पेट भर के खा लिया और पेट दर्द होने लग गया, कुछ ज़्यादा खा लिया हमने। इसका तो रोज़ का है, रोज़ रात को बोलती है, सुबह बोलती है कि यार आज ओवर ईटिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई। इसकी हरकत बताऊँ आपको सीक्रेट? आज मैंने पहले वाली हरकत बताऊँ तेरी, इसकी इनको पहले क्या करती थी, पहले क्या करती थी ना, जिसको ओवर ईटिंग हो जाती थी ना, इसको रात को नींद नहीं आती थी, तो मुँह में फिंगर डाल के पूरा अंदर तक वॉमिट करके सोती थी, फिर इसको डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मुझे वॉमिट करके सोना। डाइजेशन अच्छा हो गया अब तो, बहुत कुछ अच्छा हो गया है। ये जो है क्या क्या बताऊँ, डाइजेशन वाला जो जगह है ना वो आपकी बढ़ गई है मैडम बहुत ज़्यादा। हाँ 15-15 पूरी खाती है एक टाइम पर। हाँ 8 तो खाई तूने, मैं 4 पूरी में डन हो जाता हूँ, मेरा पेट ऐसा हो रहा है बस क्या बताऊँ मैं। डिपेंडिंग ऑन पूरी का साइज़ क्या है। सो अभी क्या किया, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने आधे घंटे का नाप भी ले लिया था, अभी उठे हैं जस्ट, थोड़ा सा वीडियो वगैरह लैपटॉप पे मैं लगा रहा था, देख रहा था क्या रिकॉर्ड किया था फिर से। तो अभी क्या है कि प्लानिंग हो गया, कुछ जा रहा हूँ बाहर सामान लेने, सोना कह रही मैं अभी जाऊँगी तो साथ में ले जा रहा हूँ उसको मैं। और एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी आजकल मैं थोड़ा वैक्सीन वैक्सीन वगैरह भी देख रहा हूँ, ऑनलाइन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि 18 प्लस एज वाले को सब जगह मैं रोज़ चेक कर रहा हूँ, मेरे को स्लॉट मिल नहीं रहा है। सोना ने अभी लगवानी नहीं है क्योंकि वो अभी परी को फीड करवाती है, तो इस वजह से अभी उसका मामला मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे नहीं सेफ, उसको लगवा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं, बट थोड़ा डाउट में है, इसलिए वी डिसाइडेड कि हाँ अभी हम नहीं लगवाएंगे उसको, परी को इन सोना को, तो इसलिए अभी मैं लगवाऊंगा, बट अभी मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली एक हफ्ता पहले मुझे मिले भी थे बट मैं गया नहीं, कॉलेज के चक्कर में मैं सोता रह गया और मेरा टाइम निकल गया, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी दोबारा रीशेड्यूल किया है बट अभी तक मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सारे स्लॉट्स बुकड हैं, फुल हैं, तो जहाँ भी मुझे मिलता है पेड हो फ्री हो डजेंट मैटर, अभी लगवाना है क्योंकि थोड़ा बहुत जब मुझे लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाहर में जाऊँ तो बिना टेंशन के घूम पाऊँ, राइट। तो अभी चलते हैं और ये देख लो इसको, और कुत्ते ये अभी घूम रहा है इधर, अभी बंदा हुआ है, ये अभी बंदा हुआ है क्योंकि अभी घर में काम वाली आई हुई काम कर रही है, तो उसको वो काम नहीं करने देता ये इसीलिए इसको बांध कर रखा है। अभी जब ये चल वो चली जाएगी तो ये खुल जाएगा, फिर नौटंकी शुरू हो जाती है इसकी, पहले परी के साथ जाके चिपकेगा, फिर सबके साथ जाके ऐसे चिपकता है, सबको बहुत तंग करता है इसीलिए इसको अभी बांध के रखा है। तो चलते हैं फिर करते हैं शुरू, अभी आगे की थोड़ी शॉपिंग शुरू करते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। तो बहुत लोग बोलते थे मैं लॉकडाउन में लॉक क्यों नहीं कर रहा, अब देखो लॉकडाउन में मैं क्या करता हूँ, घर बैठा हूँ ट्रिमिंग कर लेते हैं, और वो तो है नहीं, एक तो कैमरे का ट्राइपॉड ख़राब हो रहा है, वो दाढ़ी की टेंशन में वाइट हो रही है, अब तो मैं टेढ़ी मेढ़ी काट लेता हूँ, वैसे क्या करें। तो मैं बहुत देख रहा हूँ डेटा में,
हाँ लोग वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो एट ऑल, कर दो यार क्या जा रहा है, भले बाद में देखते रहना वीडियो, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, कर दो यार हमारा ही भला हो जाएगा, मैं भी और वीडियोस बनाना चाहूँगा फिर। तो अभी सुना फेस वॉश ऐसी करो पाने से वापसी आके बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ करेंगे, बुड़बुड़ बुड़ मतलब ना ना ओके। रात को आई थी बारिश बढ़िया वाली, पूरा यहाँ पे गन पड़ चुका, दिखाता हूँ आपको पूरे पत्ते पत्ते पूरी बारिश हो रही थी यहाँ पे। कल रात की बारिश का नतीजा ये था, बारिश आई थी बढ़िया वाली। कल मैं चाबी तो लाया ना, चलो गाड़ी में बैठ के बात कर। हो गया लेंस अंदर आती है गाड़ी, लेंस पूरा फॉगी जो कि मॉइस्चर बाहर ज़्यादा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओहो गर्म हवा आपके साथ भी हुआ होगा, गरम गरम हवा पड़ती है जब गाड़ी में बैठते हो, धूप में जब खड़ी होती गाड़ी।